एनसीईआरटी 2023 की जो डेट है वो पोस्टपोन्ड होगी कि नहीं होगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था सीटी को लेके कि आपकी एग्जाम की डेट श्योरली पोस्टपोन्ड होगी, ठीक है। सो एनसीईआरटी को लेके भी मेरा जो स्पेकुलेशन है, हाँ डेट आपकी एक्सटेंड होगी। जो डेट उन्होंने दिया है 25th and 26th of March, वो डेट को अभी एग्जाम होना मुश्किल है, उसका रीजन है। सो टुडे इज 17th of Feb, आई एम शूटिंग दिस वीडियो। 17 से अगले 17 का मार्च का अगर डेट देखेंगे तो एक महीना हो गया, और आपका एग्जाम है 25-26 मार्च को, एक महीने का टाइम। तो अभी तक तो फॉर्म आ जाना चाहिए था, कि फॉर्म फिलिंग का भी टाइम जो मिलेगा आपको 25 दिन मिनिमम, 20-25 दिन या तो एक महीने का टाइम तो मिलता ही मिलता है। उसके बाद एक दो बार एक्सटेंशन आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि 25-26 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम फॉर श्योर एक्सटेंड होगा, ठीक है। और 2 हफ्ते से एक्सटेंड होने का स्कोप मुझे लग रहा है, 10 से 15 दिन, ठीक है। अगेन डिस्क्लेमर, डोंट रिलाई ऑन माय वर्ड्स, नहीं तो बाद में मुझे गालियाँ दोगे, मुझे बोलोगे सर आपने बोला डेट एक्सटेंड होगा बट अभी तो हुआ नहीं, अभी क्या करूँ मैं। तो भाई जो डेट उन्होंने दिया 25-26, वो उसको डेडलाइन लेके अपनी पढ़ाई फुल फ्लेज में चालू रखो। अगर डेट एक्सटेंड हुई, जो कि होगी, तो वो बोनस डेज होगा, रिवाइज करेंगे, मॉक पे काम करेंगे, वीक एरिया पे काम करेंगे, जो टॉपिक अभी तक नहीं प्रिपेयर किया था उस पे काम करेंगे, ये सब करने का टाइम है वो, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ तो कैन आई क्रैक माई एग्जामिनेशन, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। तो आंसर है यस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट गेम। गेम खेलने के जो रूल होते हैं ना, आपको वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आप सब पढ़ने का भी सोचोगे कम टाइम में तो वो सही तरीका नहीं है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा वेटेज वाइज, ठीक है। लास्ट ईयर का एनालिसिस का भी वीडियो मैंने पोस्ट किया यूट्यूब पे, जाके देख लो उसको, किस टाइप के क्वेश्चन मैथ्स में आए थे, कंप्यूटर में आए थे, जो क्वेश्चन नहीं मिलते, तो आइडली वो भी हमने पोस्ट किया हुआ है, जाके सोल्यूशन देख लो। और आपका लॉजिक में क्या क्या आया था और आपके इंग्लिश में क्या क्या आए थे, वो भी मैंने एनालिसिस पोस्ट किया हुआ है, डू वॉच दैट वीडियो। और उसके साथ साथ टॉपर्स के पॉडकास्ट भी देख लो, थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो भी आ जाएगा। तो लॉजिक पूरा करना है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना, कंप्यूटर पूरा करना है, कुछ नहीं छोड़ना, इंग्लिश में सब कुछ करना है। अभी वोकैब पे काम करने का टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। तो आपके जो मैनुअल के बुक में वोकैब है, एटलीस्ट उतना वोकैब कर लो, बिकॉज वो सारे वो वोकैब है जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। सेकेंड, आपका ग्रामर पे काम करो, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ जंबल। तो इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्कआउट करो, बचा मैथ्स। इतने लोग का मैथ्स वीक है या मैथ्स में लग रहा है कि स्कोर नहीं आएगा, तो पहले अरिथमेटिक पे फोकस करो, एप्टीट्यूड वाला मैथ्स, अरिथमेटिक पे अच्छे से काम करो, ज्योमेट्री मेंसुरेशन पे काम करो, और उसके बाद आपका नंबर सिस्टम पे काम करो, ठीक है। और फिर अलजेब्रा, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन चाहिए तो छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद जो एडवांस मैथ्स है उसमें जो काम करने की ज़रूरत है वो आप, वो टॉपिक है लॉग, ट्रिगो, प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, सेट थियरी। इतने टॉपिक किया आपने, मोर देन सफिशिएंट, मतलब 20 के ऊपर का मार्क्स बनेगा अपना, 20 प्लस क्वेश्चन आप राइट करके आराम से एग्जाम में आओगे, ठीक है। सो अपने को ये ध्यान देना है कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अपने को सिर्फ और सिर्फ 65-70 क्वेश्चन राइट करके आना है। 30 क्वेश्चन राइट नहीं भी हुए, नहीं भी बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आप डिसाइड करोगे कौन से सेक्शन में आप फोड़ोगे, कौन से सेक्शन में आपका स्कोर नहीं बनने वाला है। तो मेरे लिए ये समझना जरूरी है कि मुझे 70 क्वेश्चन राइट करने, आप टारगेट रखो 80 क्वेश्चन राइट करने का, 80 का टारगेट लोगे तो 70 के आसपास रहोगे, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन मुझे राइट करने, 20 क्वेश्चन मुझे छोड़ देने, दिस इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट योर प्रिपरेशन। सब नहीं पढ़ना, बट हाँ जितना पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। देयर इज अ वन स्टेटमेंट इन इंग्लिश, लाइट काइट विल टच द स्काई। तो थोड़ा पढ़ो बट बहुत अच्छे से पढ़ो, वहाँ से कुछ भी आया तो फोड़ोगे। और जो मैंने टॉपिक बताए, यहाँ से स्कोर बनेगा, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो डू वॉच ऑल द वीडियो लेक्चर एक्सेस विच यू हैव मेनुअर का, या तो जिसका भी आपके पास एक्सेस है। और बैचेस को लेकर के लास्ट बैच अभी ऑन गोइंग है, क्रैश कोर्स बैच, सेंटर्स पे भी, बोरीली, दादर एंड वसई, यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर। एंड लाइव क्लास को लेकर भी बैचेस है, ऑनलाइन को लेकर के। एंड थाने में भी वी हैव लॉन्च द बैचेस, यू कैन चेक द डिटेल्स, ठीक है। एंड 24 को लेकर थाने में भी वी हैव लॉन्च द बैचेस, यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम एट थाने सेंटर, दैट इज़ अ न्यू सेंटर विच वी केम अप विथ। सो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। अगर पढ़ाई करके हो गया है तो मॉक लिखना चालू कर दो, मॉक का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। और कोई सेक्शन वीक है आपका, कंप्यूटर, मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश, तो सेक्शन कोर्स चेक कर लो, अदरवाइज फुल कोर्स का एक्सेस ले लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो हाँ, अभी भी चालू करोगे तो हो जाएगा, बट हाँ सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आपको ये समझना होगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो उसको लेके मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट अभी के लिए
पढ़ाई चालू करो। और सीटी के डेट को लेके डोंट नीड टू वरी, डेट एक्सटेंड होगी, बट अपने को 25-26 मार्च ही डेडलाइन लेके चलनी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।